तो हेलो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली बात करने वाले हैं शटरिंग मटेरियल की, प्लाईवुड शटरिंग जो हम लोग करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हमको बोलती है कि अगर आप प्लाईवुड शटरिंग कर रहे हो तो उसको आप मैक्सिमम 4 बार यूज़ कर सकते हो, वही चीज़ अगर मैं एमएस शटरिंग यूज़ करता हूँ तो उसको मैं 40 बार यूज़ कर सकता हूँ। तो कहीं कहीं जगहों पे हम स्लैब्स में आजकल एमएस प्लेट्स की शटरिंग करते हैं, बट कहीं कहीं जगहों पे आज भी प्लाईवुड प्लाईबोर्ड्स का यूज़ किया जाता है, बैटन्स का यूज़ किया जाता है प्लाईवुड स्लैब की शटरिंग के लिए। तो बेसिकली आज जो हम लोग क्वांटिटी निकालने वाले हैं शटरिंग मटेरियल्स फोम वर्क में, जिसमें हम लोग निकालेंगे प्लाईवुड की शटरिंग, फिर बैटन्स कितनी क्वांटिटी में लगेंगे, वर्टिकल एमएस प्रॉप्स, उसके साथ में नेल्स और बैटन्स और बाइंडिंग वायर। यहाँ पे जो मैं बैटन्स यूज़ कर रहा हूँ उसका साइज 2 इंच बाय 3 इंच बाय 8 फीट है, और ये वाला जो बैटन है वो 3 इंच बाय 4 इंच बाय 8 फीट है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट होने वाला है, तो कॉपी पेन लेके बिल्कुल तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग निकाल रहे हैं क्वांटिटी शटरिंग मटेरियल्स की। जिसके लिए सबसे पहले अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहां पे मेरा ये पूरा एक स्लैब है, जिसमें स्लैब के डायमेंशंस आपके लगभग 20 मीटर बाय 20 मीटर्स के हैं। यहाँ पे जो बीम्स है उस पोर्शन पे भी हमारे प्रॉप्स लगेंगे, है ना। कभी भी हम लोग स्लैब शटरिंग की बात करते हैं तो बीम और स्लैब की जो कास्टिंग होती है, उसकी जो शटरिंग बनती है वो एक साथ ही होती है, ठीक है। पहले शटरिंग बन जाती है, फिर उसके बाद उसमें कॉन्क्रीटिंग होती है, दोनों की ही एक साथ। तो यहाँ पे जो बीम्स है उस बीम्स में हम लोग वर्टिकल प्रॉप्स भी लगाते हैं, सिमिलरली स्लैब के भी केस में हम लोग वर्टिकल प्रॉप्स लगाते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे प्लेट्स लगते हैं स्लैब के केस में, वो उसके बॉटम पे लगते हैं, स्लैब के बॉटम में, और यहाँ जो बीम है उसमें कहाँ लगते हैं, दोनों साइड्स पे और बॉटम पे। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ बैटन्स की, तो यहाँ पे आपके बैटन्स कुछ बीम पे भी लगते हैं, वो आगे हम लोग इमेज के थ्रू भी देखने वाले हैं, और स्लैब में भी हमारे जो प्लाई बोर्ड्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग नीचे में भी बैटन्स लगाते हैं, जिसको लगभग हम लोग रनर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग क्वांटिटी निकालने वाले हैं वो प्लाईवुड की क्वांटिटी निकालने वाले हैं, जिसमें मेरे को सिर्फ अपने ये जो स्लैब के डायमेंशंस है उसकी यूज पड़ेगी। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लाईवुड में जब हम लोग शटरिंग लगाते हैं तो प्लाईवुड में डायरेक्टली हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे स्लैब फ्लैट एरिया, जो कि मेरा 20 मीटर बाय 20 मीटर था, तो मैं दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा ये 400 स्क्वायर मीटर, जिसमें आपका बीम बॉटम जो है, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो 20 मीटर बाय 20 मीटर है वो पूरा इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक के है, मतलब यहाँ पे उसमें बीम का जो बॉटम एरिया है वो भी इंक्लूड हो रहा है। तो यहाँ पे जो बीम का बॉटम एरिया है वो ऑलरेडी इस एरिया में इंक्लूड हो जाता है। अब मैं बीम के साइड्स की बात करूँ, जैसे ये मेरी बीम है, इसके साइड्स पे भी तो मेरे को प्लाईवुड की शटरिंग लगानी पड़ेगी ना, तभी तो मैं चारों तरफ से उसको पैक कर पाऊंगा। तो साइड्स के लिए बेसिकली हम लोग ये जो हमारा फ्लैट एरिया होता है उसमें हम लोग 30% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 30% एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, 400 प्लस 30% ऑफ 400, ये 400 मेरा स्लैब फ्लैट एरिया है। तो 400 प्लस 30% ऑफ 400, इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को एरिया मिल जाएगा 520 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे जो मैं प्लेट्स यूज करने वाला हूँ, ठीक है, जितने भी मैं प्लाई बोर्ड्स यूज करने वाला हूँ उसका जो साइज है आपका वो 1.2 × 2.4 मीटर का है। अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ तो लगभग आपका 2.88 स्क्वायर मीटर आता है। अब मेरे को अगर पूरा होल एरिया पता है और मेरे को अपने एक प्लेट का एक एरिया पता है, तो मेरे को ये निकालना है कि कितने नंबर ऑफ प्लाईवुड्स लगेंगे। तो बेसिकली क्या करूंगा, मैं जो मेरा टोटल एरिया होगा उसको मैं प्लेट के एरिया से डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल प्लाईवुड्स कितने आ जाएंगे मेरे, 520 डिवाइडेड बाय 2.88, दैट इज 181 नंबर्स। अब यहाँ पे जो वेस्टेज हम लोग कंसिडर करते हैं प्लाईवुड के केस में, बेसिकली 5% से लेके 10% तक का वेस्टेज हम कंसिडर करते हैं। तो अगर मैं 10% इसमें वेस्टेज कंसीडर करूं तो 181 नंबर्स में अगर मैं इनटू 1.10 कर दूं, क्योंकि मेरे को उसका 10% बढ़ा के लेना है, तो वहां से मेरे जो टोटल नंबर ऑफ प्लाईवुड्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 200 नंबर्स। तो ये मेरी प्लाईवुड की कैलकुलेशन थी क्वांटिटी के लिए। अब ये तो बात हो गई प्लाईवुड की, अब दूसरा बात करते हैं हम लोग बैटन्स की। यहाँ पे जो मैं बैटन का साइज ले रहा हूँ वो 2 इंच बाय 3 इंच बाय
8 फीट का है, जिसको अगर मैं एमएम में कन्वर्ट करूं तो लगभग साइज मेरा 50 mm by 75 mm होता है। यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये बीम लगी हुई है, हमारी बीम की पूरी शटरिंग लगी हुई है। अब ये बीम में जो प्लाईबोर्ड की क्वांटिटी तो मैंने निकाल दिया, अब ये जो येलो पोर्शन में आप देख पा रहे हो यही बैटन है, क्योंकि अब हम लोग जो ये बैटन यूज करने वाले हैं वो बीम्स में जो हम लोग दो फ्रेम्स को, दो प्लाईबोर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कि जब मैं उसमें कंक्रीट पोर करूं तो वो खुले ना, बिखरे ना, तो उन दोनों को ही जॉइंट करने के लिए और एक वर्टिकल सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग बीम में जो बैटन यूज करते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। तो साइज हो गया आपका 50 mm by 75 mm, लेंथ हो गई आपकी 8 feet। तो यहाँ पे जो हम लोग एक थंब रूल यूज करते हैं कि जो भी हम लोग बीम और कॉलम के लिए बैटन्स की क्वांटिटी निकालते हैं वो आपके प्लाईबोर्ड का 7 गुना होता है, मतलब वी यूज फॉर बीम एंड कॉलम 7 numbers per ply। अगर मैं प्लाईबोर्ड निकाला हूं, अगर सपोज मेरा 100 plywoods आ रहा है, तो अगर मेरे को बीम और कॉलम में अगर मेरे को निकालना होगा कि कितने मेरे को बैटन की क्वांटिटी लगेगी, तो जस्ट मेरे को उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम इस केस में हमारे पास जो प्लाईवुड की क्वांटिटी आए प्लाईबोर्ड्स की वो 200 आई थी, तो दैट इज 7 numbers per ply। तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग जो बैटन की क्वांटिटी निकालेंगे वो कर देंगे 200 × 7, दैट इज 1400 numbers। अब बैटन जो हम लोग साइट पे मंगवाते हैं वो हमेशा क्यूबिक फीट पे मंगाया जाता है, और उसका जो रेट भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से वो क्यूबिक फीट में ही मिलता है। तो बेसिकली मेरे को क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी ये बैटन की। यहाँ पे जो मैं बैटन्स की क्वांटिटी निकाल रहा हूँ वो बीम्स के लिए है, ठीक है। तो बीम्स के लिए क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करना होगा, जस्ट मेरे को लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करना है उसके साथ जितने भी नंबर्स आ रहे हैं। तो हाइट, विड्थ और लेंथ कितनी है मेरी, 0.05। यहाँ पे जो 50 mm और 75 mm है इसको मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो 0.05 × 0.075 × 1400 जो कि आपके बैटन्स के नंबर्स की क्वांटिटी है, और × 2.4, ये 2.4 आपकी लेंथ है, 8 फीट को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मेरे को लेंथ 2.4 मिलती है। सिमिलरली इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12.6 cubic meter और 444.906 cubic feet। अब क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट जाने के लिए हमारे पास एक ही थंब रूल है, 35.31 क्यूबिक मीटर, 1 cubic meter इज इक्वल टू 35.31 cubic feet। तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और यहां से मेरे बैटन्स की क्वांटिटी क्यूबिक फीट में निकल जाएगी। तो प्लाईबोर्ड निकल गया, बैटन्स निकल गया बीम्स के लिए। तो इंजीनियर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोगों के लिए जो सिविल गुरुजी लगातार लेकर आ रहा है, जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सकें, नए नए स्किल्स सीख सकें, क्योंकि आज की जो डिमांड है कॉरपोरेट सेक्टर की, वो डे टू डे जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, उन सब चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिविल गुरुजी बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ला रहा है, जिसमें आपको लगभग इतने सारे कोर्सेस, अगर मैं इसको मंथ में कन्वर्ट करूं तो लगभग, अगर आप डेडिकेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, तो ये सब कोर्सेस को आप 4 months में कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी वैलिडिटी तो आपकी पूरी 730 days, दैट इज 2 साल के लिए आपके पास वैलिड रहेगा। जितना जल्दी आप पढ़ के, जितना अच्छे से उसका इंप्लीमेंट करके जल्द से जल्द जॉब ले सकते हैं, पा सकते हैं, वो हम बता रहे हैं। तो बेसिकली इसमें पूरा बिल्डिंग एस्टीमेशन पार्ट, सर्वेइंग, फील्ड वर्क, बार बेंडिंग शेड्यूल, फिर उसमें एडवांस बार बेंडिंग शेड्यूल एक्सेल के साथ, क्योंकि अब पेन और पेपर से हर चीज़ें नहीं होती है, अब जो यूज़ होने लग गए हैं वो एक्सेल फॉर्मेट्स यूज़ होने लग गए हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए। फिर क्वांटिटी सर्वे एक्सेल के साथ, रेट एनालिसिस एक्सेल के साथ, उसका फिर बेसिक कैलकुलेशंस भी, फिर बिलिंग रहेगा, रिकॉन्सिलेशन, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग, जॉब डिटेक्टिव रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो मेकिंग, फिर उसके बाद यूट्यूब इंटरव्यू आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको मिल रही हैं सिर्फ और सिर्फ 74% डिस्काउंट में। आप लोगों के लिए ये पूरा बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अवेलेबल है। इसका करंट प्राइस जानने के लिए जस्ट आपको क्या करना है, 9111001234 पे कॉल करना है। उसके साथ में ही मैं आपको बता देना चाहूंगा कि डेली लाइव डाउट सेशंस होते हैं, 600+ रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उसके साथ रियल प्रोजेक्ट केस स्टडी है और साइट वीडियोस भी हैं आपके, अच्छे से आपको पढ़ने के लिए, आप अच्छे से आपको इमेजिन करने के लिए कि आप उसको समझ के एक्चुअली में साइट में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये सब चीज़ें अगर आपको जानना है और सीखना है तो जस्ट आपको कॉल करना है 9111001234 पे। और भी डिटेल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइडेड है। उसके साथ में एक फाइनल चीज़ मैं बता देना चाहूँगा
कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा ये जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करते हैं, पूरा सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी आपको मिलेगा जिसमें पूरी चीजें दी हुई होंगी कि आपने ये सब चीजें सीखी हैं। तो जल्द से जल्द कॉल करिए और अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। अब हम लोग नेक्स्ट जो निकालेंगे वो वर्टिकल एमएस प्रॉप्स निकालेंगे। अब आपने देखा होगा कि इस टाइप के कुछ एमएस प्रॉप्स के हेल्प से हम लोग, क्योंकि आजकल जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं कॉन्क्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कॉलम प्रिपेयर हो जा रहा है, फिर बीम हो जा रही है, फिर स्लैब कास्ट हो जा रही है, फिर ब्रिक वर्क हो रहा है, तो जो बीम है हमारे आउटर बीम्स है इनर बीम्स है उनको सपोर्ट करने के लिए भी हमको एमएस प्रॉप्स का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली एमएस प्रॉप्स यूज करने के लिए, तो फॉर बीम बॉटम प्रॉप्स हम लोग जो लेंगे उसकी स्पेसिंग बेसिकली 600 से लेके 800 mm तक की होती है। अब यहाँ पे हम लोग एक और थंब रूल, क्योंकि ये सब क्या है, अजम्पशन बेस्ड है, थंब रूल्स बेस्ड है, तो बॉटम बीम के लिए जो हम लोग बीम बॉटम के लिए जो प्रॉप्स यूज करते हैं वो आपका 15% होता है फ्लैट एरिया का। तो जो मेरा फ्लैट एरिया था कितना था, मेरा स्लैब फ्लैट एरिया का डायमेंशन 20 meter by 20 meter, तो वहां से मेरा जो एरिया निकल के आया था वो 400 स्क्वायर मीटर निकल के आया था। तो उस 400 स्क्वायर मीटर का अगर मैं 15% निकालूंगा तब जाके मेरे को बीम बॉटम का मेरे को एरिया मिलेगा, तो वो कितना होगा 400 स्क्वायर मीटर इंटू 15%, तो ये कितना आ जाएगी वैल्यू 60 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रनिंग मीटर में चाहिए, क्योंकि मेरा जो प्रॉप्स लगेगा वो रनिंग मीटर पे लगेगा बीम के। अब यहाँ पे मेरे को बीम का एरिया मिल गया कि 60 स्क्वायर मीटर में मेरे पूरे बीम्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं एक डायमेंशन जो है उसको एज्यूम करता हूँ, या अगर आप अपने ड्राइंग में देखेंगे तो ड्राइंग में भी आपको मिल जाएगा कि विड्थ ऑफ बीम कितनी होगी, 250 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, 350 भी हो सकती है, 400 भी हो सकती है, तो जो भी विड्थ हो, यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है 250 mm। तो बेसिकली क्या करूंगा मैं इसको रनिंग मीटर में कैलकुलेट करने के लिए, जो मेरा बीम का एरिया आया है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा ये 250 mm से, तो 60 स्क्वायर मीटर डिवाइडेड बाय 0.25 मीटर दैट विल बी 240 रनिंग मीटर्स। मतलब अब मेरे को ये पता चल गया कि मेरे ओवरऑल जितनी भी बीम दौड़ रही है उसका जो रनिंग मीटर में वैल्यू है वो 240 मीटर्स है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे स्पेसिंग पता है कि मेरे को 600 से 800 mm की स्पेसिंग पे प्रॉप्स लगाना है, कितने लेंथ पे लगाना है 240 रनिंग मीटर्स पे, तो मेरे नंबर ऑफ प्रॉप्स कितने निकल के आ जाएंगे 240 डिवाइडेड बाय 0.8 दैट इज 300 नंबर्स। मतलब बीम बॉटम को सपोर्ट करने के लिए जो बीम बॉटम पे हम लोग प्रॉप्स लगाएंगे वो 300 नंबर्स लगाएंगे। ठीक है, तो यहां से इसकी भी क्वांटिटी निकल गई। सिमिलरली बीम के लिए वर्टिकल प्रॉप्स लगा दिए तो हम स्लैब के लिए भी लगाएंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा हमारा, जैसे मेरा टोटल फ्लैट एरिया कितना था 20 मीटर बाय 20 मीटर दैट इज 400 स्क्वायर मीटर, जिसमें से बीम बॉटम के लिए जो एरिया निकल के आया वो कितना निकल के आया था 60 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया जो स्लैब बॉटम के लिए हम लोग प्रॉप्स यूज करेंगे उसके लिए एरिया कितना निकल के आ जाएगा 400 माइनस 60 दैट इज 340 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे जो स्लैब बॉटम है उसके लिए जो हम लोग प्रॉप्स की स्पेसिंग लेते हैं वो 900 mm सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो अगर मेरे को स्लैब का एरिया पता है और मेरे को ये पता है कि मेरे को 900 स्पेसिंग पे लगाना है, तो स्लैब एरिया डिवाइडेड बाय जो मेरे प्रॉप्स का एरिया निकल के आ सकता है वो कितना आएगा 0.9 × 0.9, क्योंकि मैं 900 mm की स्पेसिंग ले रहा हूँ, तो यहां से उसका एरिया कितना आ गया 0.81 स्क्वायर मीटर। तो सिमिलरली नंबर ऑफ प्रॉप्स कितने निकल के आ जाएंगे, जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आया उसको मैं जो प्रॉप्स के स्लैब बॉटम में जो प्रॉप्स लगने वाले हैं उसके एरिया के डिवाइड कर दूंगा जो कि 0.81 है, तो कितना आ जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 0.81 इज इक्वल्स टू 420 नंबर्स। ठीक है, तो ये जो स्लैब आप देख पा रहे हो बीम्स में कितने प्रॉप्स लगेंगे वो निकाल दिया मैंने। अब ये जो स्लैब को सपोर्ट करने के लिए, अब स्लैब में कहाँ लगते हैं, जहां पे भी हमारे बैटन्स लगेंगे स्लैब को सपोर्ट करने के लिए वहां वहां मेरे प्रॉप्स लगेंगे। देख पा रहे हो, सपोज अगर ये मेरे बैटन्स लगे हुए हैं तो इन बैटन्स पे ही मेरे प्रॉप्स लगे हुए हैं, तो ये स्लैब को सपोर्ट करने के लिए कितने प्रॉप्स लगेंगे 420 और बीम को सपोर्ट करने के लिए कितने 300, तो टोटल नंबर ऑफ प्रॉप्स कितने लगेंगे मेरे को 720 नंबर्स। तो इस तरह से हम लोग ये सब क्वांटिटी निकाले एमएस प्रॉप्स की। तो इंजीनियर्स अब देखते हैं हम लोग, अभी तक के हमने प्लाईबोर्ड के लिए निकाल दिया क्वांटिटीज, उसके साथ बैटन्स जो कि बीम्स में लग रहे थे उसके लिए भी क्वांटिटी निकाल दिया, और जो भी हमारे एमएस वर्टिकल प्रॉप्स लग रहे हैं उसकी भी क्वांटिटी निकाल दिया। अब हम बैटन्स की बात कर रहे हैं जिसका साइज आपका 3 inch by 4 inch by 8 feet है। बेसिकली आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक स्लैब है, यहाँ स्लैब पे आप देख पा रहे हो बैटन्स लगे हुए हैं,
डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में। तो ये अरेंजमेंट इसलिए किया जा रहा है ताकि इसके ऊपर हम लोग प्रॉप्स के साथ प्लाईवुड को हम लोग सेट कर सकें, ताकि उसके फर्दर प्रोसेसिंग जो है हमारी शटरिंग की, वो आगे हम लोग प्रोसीड करके कॉन्क्रीटिंग करा सकें। तो यही रनर्स हैं आपके बेसिकली, यहाँ पे जो बैटन्स का साइज है, इसके पहले जो बैटन की क्वांटिटी निकाले थे वो बीम्स के लिए निकाले थे, अब जो बैटन्स की क्वांटिटी निकालेंगे, साइज भी डिफरेंट है, वो निकालेंगे स्लैब के लिए। तो साइज है आपका 75 mm by 100 mm का और लेंथ है आपकी 8 फीट की। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसके पूरे एरिया पे ही कैलकुलेट करूँगा, जो भी मेरा फ्लैट स्लैब एरिया रहेगा उस पूरे फ्लैट स्लैब एरिया पे मैं कैलकुलेट करूँगा इन प्रॉप्स के लिए, क्योंकि मेरे पूरा स्लैब एरिया ही इसमें कंसिडर करूँगा मैं। तो टोटल एरिया कितना है आपका फ्लैट स्लैब एरिया 400, और यहाँ पे जो स्पेसिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं बैटन्स के लिए ये 900 mm की, क्योंकि यहाँ जो प्लेट्स, जैसे मैं फर्स्ट डायग्राम में आपको बताया था, तो ये जो प्लेट्स हैं वो 900 mm के प्लेट्स हैं। तो यहाँ पे जो मैं स्पेसिंग भी यूज़ करूँगा वो लगभग 900 mm की स्पेसिंग यूज़ करूँगा। तो मेरा जो टोटल फ्लैट एरिया है वो 400 स्क्वायर मीटर का है, और यहाँ पे जो मेरा ये एरिया है, तो यहाँ पे जो मेरा फ्लैट स्लैब एरिया है 400 है, डिवाइड कर देंगे उसकी स्पेसिंग से तो नंबर निकल के आ जाएगा लगभग 445। तो यहाँ क्वांटिटी ऑफ बैटन जब मैं निकालूंगा, तो मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि क्वांटिटी ऑफ बैटन आपका क्यूबिक फीट में मिलता है, तो क्वांटिटी ऑफ बैटन बेसिकली आपका 0.075, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है साइजेस को, और फिर ये mm को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.075 इंटू 0.1 इंटू नंबर्स और इंटू जो उसकी लेंथ है, जो कि है आपकी 8 फीट, जो कि आपकी मीटर में आती है 2.4। तो यहाँ से जो मेरा क्यूबिक मीटर में जो वैल्यू निकल के आता है वो 8.01 क्यूबिक मीटर और 282.83 क्यूबिक फीट। तो ये हमारे बैटन्स का साइज होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं बैटन्स की क्वांटिटी। इसके पहले जो हमने बैटन्स की क्वांटिटी निकाली थी वो बेसिकली बीम्स में जो हम लोग उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे यहाँ देख पा रहे हो आप इमेज में कि ये जो स्लैब है उसमें प्लाय बोर्ड लगाने से पहले यहाँ पे जो बैटन्स हैं, जिनको हम रनर्स भी बोल सकते हैं, उनको फिक्स किया जाता है, ताकि हम लोग उस पर प्लाय बोर्ड्स लगा के उनको फिक्स कर सके और आगे का फर्दर कॉन्क्रीटिंग करा सके। तो यहाँ पे जो बैटन्स का साइज होता है स्लैब्स के लिए वो बेसिकली 3 inch by 4 inch by 8 feet होता है। इसको अगर मैं mm में कन्वर्ट करूँ तो साइज 75 mm by 100 mm का हमारा बैटन होगा। उसके बाद उसकी लेंथ जो है वो 8 फीट होगी। अगर मैं मीटर में देखूं इसको तो लगभग 2.4 मीटर्स की होती है। एरिया की बात करें तो जितना भी मेरा फ्लैट स्लैब एरिया होगा उसको मैं कंसीडर करूंगा, जो कि मेरा 400 स्क्वायर मीटर है। और यहाँ पे जो हम लोग प्रॉप्स लगाते हैं वो सिमिलरली 900 mm के ही स्पेसिंग पे लगाते हैं। तो 900 स्पेसिंग पे लगाते हैं, तो अगर मैं उसका एरिया निकालूं तो 0.9 × 0.9 दैट विल बी 0.81, और जो मेरा फ्लैट स्लैब का एरिया होगा वो 400 स्क्वायर मीटर का होगा। दोनों को ही डिवाइड कर दूं तो मेरे को नंबर्स मिल जाएंगे, जैसे 400 / 0.81 दैट विल बी 494 नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे सिमिलरली जैसे बीम के केस में बैटन्स की जो क्वांटिटी है उसका जो रेट है वो क्यूबिक फीट में मिलता है, यहाँ पे भी जो बैटन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्लैब के केस में उसका भी रेट हमको क्यूबिक फीट में ही मिलेगा। तो क्वांटिटी ऑफ बैटन्स क्या होगा, 0.075 × 0.1, ये दोनों ही क्या है, ये डायमेंशंस हैं जो हमारे बैटन्स हैं, इंटू 494 जो कि नंबर्स है, इंटू 2.4 जो कि उसकी लेंथ है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरे पास क्यूबिक मीटर में आंसर आता है वो आता है 8.89 क्यूबिक मीटर, ठीक है। और इसको अगर मैं क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करूं तो जस्ट मेरे को क्या करना होगा, 35.31 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 313.97 क्यूबिक फीट। तो यहाँ पे हमारे बैटन स्लैब के लिए भी निकल गए। नेक्स्ट अगर मैं नेल्स की बात करूँ, ठीक है, तो नेल्स के लिए हम लोग जो थंब रूल यूज करते हैं वो लगभग आपका 0.3 kg to 0.4 kg per plywood। यहाँ पे जो हमारे जितने भी नंबर ऑफ प्लाईबोर्ड्स होंगे उसमें मेरा लगभग एक प्लाईबोर्ड में 0.3 से लेके 0.4 केजी तक के नेल्स लग जाते हैं। तो अपने नंबर ऑफ प्लाइज कितने हैं 200, तो क्वांटिटी ऑफ नेल्स इन केजी कितना होगा, 200 × 0.3, डायरेक्टली थंब रूल से मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरे को 60 किलो कीले लगेंगे उस पूरे प्लाईबोर्ड्स और बैटन्स को फिक्स करने में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं बाइंडिंग वायर्स की, बाइंडिंग वायर्स देख पा रहे हो आप यहाँ पे इमेज में, कई कई जगह पे शटरिंग्स को फिक्स करने के लिए हम लोग डिफरेंट बीम क्लैंप्स यूज करते हैं, शिकंजा यूज करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्लैंप्स में जब हम लोगों की स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है सपोर्ट करने के लिए भी हम
बाइंडिंग वायर यूज करते हैं, तो उसके लिए जो थंब रूल है वो आपका 0.03 केजी पर स्क्वायर मीटर ऑफ फ्लैट एरिया है। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग वायर की जो कैपेसिटी है, कितना हमको क्वांटिटी लगेगा, वो उसके फ्लैट एरिया पे डिपेंड करती है। तो क्वांटिटी ऑफ बाइंडिंग वायर डायरेक्टली कैसे हो जाएगा अपना, 0.03 दैट इज थंब रूल इनटू फ्लैट एरिया कितना है हमारा 400 स्क्वायर मीटर, क्योंकि हमारे स्लैब के डायमेंशंस कितने हैं 20 मीटर बाय 20 मीटर के, तो 0.03 इनटू 400 कर देंगे तो लगभग हमारा 12 किलो निकल के आ जाएगा बाइंडिंग वायर। तो ये बाइंडिंग वायर की भी क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट अब मैं लास्ट देखता हूं कि शटरिंग ऑयल की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। शटरिंग ऑयल लगाना क्यों जरूरी है, सपोज आपने प्लाईवुड यूज किया पहली बार, लगाते टाइम आप उसमें शटरिंग ऑयल लगाओगे, शटरिंग ऑयल लगाने के बाद उसमें कॉन्क्रीटिंग फिक्स करोगे। सिमिलरली यही केस है जब भी हम क्यूब टेस्ट करते हैं, क्यूब टेस्ट करते टाइम हम प्रॉपर उस क्यूब की ऑयलिंग करते हैं ना, ताकि जब मैं उसको रिमूव करूं तो वो इजीली रिमूव हो जाए और उसमें किसी तरह का कोई डिसरप्शन ना आए, ठीक है, डिस्टॉर्शन ना आए। तो वो सब चीज़ों से बचने के लिए, हम लोग स्मूदनेस प्रोवाइड करने के लिए शटरिंग ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो शटरिंग ऑयल की क्वांटिटी कैसे निकाल सकते हो आप, यहाँ पे भी एक थंब रूल होता है कि एक लीटर में आपका लगभग 12 से 15 स्क्वायर मीटर कवर हो जाता है। तो सिमिलरली टोटल एरिया, टोटल पूरा हर एक चीज का, स्लैब बीम बॉटम का, स्लैब का, उसके बीम्स के साइड्स का, अगर मैं टोटल एरिया बात करूं तो सबसे पहले हमने निकाला था 400 स्क्वायर मीटर प्लस 30% ऑफ 400 स्क्वायर मीटर, तो वहां से हमारा जो टोटल एरिया निकल के आया था वो 520 स्क्वायर मीटर आया था। यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ शटरिंग निकालने के लिए जस्ट मेरे को क्या करना है, ये 520 को या तो 12 से 15 तक में जो भी वैल्यू मैं लेना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ 15 स्क्वायर मीटर लिया, तो यहाँ पे 520 डिवाइडेड बाय 15 किया तो लगभग मेरे शटरिंग ऑयल की क्वांटिटी कितनी निकल के आ गई, 34.66 लीटर्स। तो ये मेरी शटरिंग ऑयल की क्वांटिटी हो गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स थे जिसके हमने डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज निकाले। पूरे स्लैब और बीम में जितने भी हमारे शटरिंग मटेरियल यूज होते हैं, उसको फिक्स करने के लिए जितने भी फास्टनर्स या हमारे डिफरेंट मटेरियल्स यूज होते हैं, सबकी क्वांटिटी हमने देखा। तो आई होप इंजीनियर्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है तो फिर से इस वीडियोस को देखिए और प्रॉपर नोट डाउन करके एक नोट्स बनाते चलिए, ताकि आगे चल के आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकें। अगर अभी आप वीडियो देख के बस बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि आगे आए तो कुछ चीज़ें समझ में ना आए, तो आप नोट डाउन करके प्रॉपरली इसको पढ़ें। इसी तरह की कुछ पढ़ाई हम ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी इंजीनियर्स को बिल्डिंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर इस तरह की लर्निंग आपको भी करनी है तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए हमारे साथ, सिविल गुरुजी के साथ। जस्ट कॉल करना है 9111001234 पे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग से ही आपकी भी नॉलेज और उनकी भी नॉलेज, दोनों की नॉलेज और बढ़ते जाएगी। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता चले कि हम एक्चुअली क्या क्या और लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो ये सब नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ।